नमस्कार, रोज हब टीवी की गपशप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हर बार आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनका जीवन कहानियों की तरह होता है, वो भी रोमांचकारी कहानियों की तरह। और जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी इस कदर जीते हैं कि वो कहानी बन जाती है। इसी तरह आज हमारे साथ है एक खास मेहमान जिनका व्यक्तित्व वट वृक्ष की तरह है, जिसमें कई शाखाएं हैं और उन शाखाओं में ढेर सारी खूबियां हैं। और हमारे साथ हैं आज के खास मेहमान डॉक्टर राकेश तिवारी जी, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे हैं। इसके साथ ही वो साहित्य से भी अपना गहरा जुड़ाव रखते हैं और घुमक्कड़ी में भी काफ़ी रुचि है। रोज़ हब टीवी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। आप एक बहुत बड़े पद पर रहे हैं, साहित्य में भी आपका जुड़ाव रहा है और घुमक्कड़ी से भी काफ़ी लगाव है आपका। बहुत देश विदेश की यात्राएं की हैं आपने, वो भी रोमांचकारी। आपसे पहला प्रश्न ये है कि आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसे गुजरा, वो किन किन परिवेशों में रहा? देखिए, हमारा जन्म हुआ है सीतापुर में, एक जगह है बिस्वा, वहाँ हमारा जन्म हुआ। छोटा सा कस्बा था, अब बड़ा हो गया, तहसील है, और वहाँ के प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते थे जी। हाई स्कूल तक हमने वहीं पढ़ाई की। हमारे पिताजी और बाबा दोनों लोग एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, तो बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल था। लेकिन उस ज़माने में जब बरसात होती थी तो तालाब में साफ पानी होता था, तब तालाब में कमल के फूल होते थे और हम लोग वहाँ बैठते थे। तो खेतों में उस समय जो आपके मटर होती थी उसको तोड़ने से कोई रोकता नहीं था, बाग में आम लगता था या अमरूद होते थे उनको भी तोड़ने से कोई नहीं रोकता था। मनोरंजन के लिए या बाहरी दुनिया देखने के लिए मेले होते थे जिनमें हम लोग जाया करते थे। यही हम लोगों का एक माहौल था, परिवेश था। और जहाँ पढ़ाई होती थी वहाँ ख़ास तौर पे हिंदी का बहुत महत्व था, अवधी बोली वहाँ बोली जाती थी, तो मातृभाषा के रूप में हमें अवधी मिली। और बाकी शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई? हाई स्कूल करने के बाद हम लखनऊ आए, और लखनऊ में हमने पहला अपना जो हमारा एडमिशन हुआ वो कालविन तालुकेदार में हुआ, एक बड़ा स्कूल माना जाता है। साइंस साइड हमने लिया हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हम तो हिंदी में पढ़ के आए थे। तो हमने वो कॉलेज छोड़ दिया और फिर डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। डीएवी कॉलेज में हिंदी की प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन एकदम से प्रोटेक्टेड माहौल से आप वहाँ आ गए तो सब तरह के लोग थे, और हमें लगता है कि वो जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी वो बड़े काम की थी। और उस बीच में हमें खेलने में बड़ा इंटरेस्ट आया, तो इंटरमीडिएट में हमने एथलेटिक्स चैम्पियनशिप पाई, हम अपने कॉलेज के कैप्टन हुए, हमने एक दो रिकॉर्ड्स वहाँ बनाए, स्विमिंग टीम में रहे, बास्केटबॉल की टीम में रहे, मतलब मेनली खेल कूद में मन लगाया। तो कोई नंबर बहुत अच्छे नहीं आए इंटरमीडिएट में। उसके बाद हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और बीए में हमने आर्ट साइड ले लिया, जिसमें एक सब्जेक्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थी। हॉस्टल में रहते थे, सब तरह के लोग रहते थे और पढ़ाई होती थी साथ में, कहीं स्ट्राइक हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। उसके बाद 1973 में यूनिवर्सिटी को जला दिया पीएससी रिवोल्ट के टाइम में, तो हम लोगों को लगा कि यहाँ तो बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें कहीं और पढ़ना चाहिए, तो फिर हम बनारस आ गए। यहाँ से हमारी बाकी की एक्टिविटीज शुरू हुई। और जब हम पहली बार बनारस आए, क्योंकि इलाहाबाद में एडमिशन की कोशिश की नहीं हुआ, देर हो चुकी थी, तो यहाँ लेट फी दे करके एडमिशन हो गया। तो चूंकि सबसे ज़्यादा नंबर हमें एंशिएंट हिस्ट्री में मिले थे, तो हमने एडमिशन एंशिएंट हिस्ट्री में ले लिया। तो पहले तो हमें बनारस जो है बड़ा अजीब सा लगा, खूब सारे रिक्शे होते थे, जितनी भीड़ आज है इससे कम नहीं थी, क्योंकि सड़क इससे आधी थी और रिक्शे बहुत चलते थे, कोई पान खा के उधर थूक दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो पहले बड़ा ख़राब लगा। लेकिन धीरे धीरे बनारस खुलने लगा, जब घाट पे बैठते थे,
नाव चलाते थे, तैरने जाते थे, तो हमें बनारस से एक ख़ास तरह का लगाव हो गया। तो ये हमारी एजुकेशन का पूरा है। यहाँ आकर चूँकि हमने आर्कियोलॉजी लिया, तो हमें लगता था कि पता नहीं कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का उतना महत्व देने के बजाय दशाश्वमेध घाट पर तैरने में ज़्यादा मज़ा आता था, नाव लेकर के रामनगर जाने में ज़्यादा मज़ा आता था। और जब हम एमए प्रीवियस में थे, तब यहाँ पर आंदोलन की वजह से हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तुमने कहा पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, चलो साइकिल से नेपाल होके आते हैं। तो नेपाल की यात्रा पे चले गए, वहाँ से लौट के आए, एग्ज़ाम दे दिया। जब रिज़ल्ट देखने के लिए गए तो सभी लोग सेंट्रल ऑफिस जाते हैं, हम भी गए सबके साथ में। तो उसने हमें बताया कि ये आपके ये मार्क्स हैं। तो हमने कहा भाई ट्रिबुलेशन सीट आपने मेरी देखी या किसी और की देख ली, क्योंकि इतने नंबर आ जाएंगे ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी। 68 कुछ परसेंट मार्क्स थे उस ज़माने में, 68% बहुत होता था। उसने चेक करके फिर से बताया, उसने कहा नहीं साहब है तो मार्कशीट आपकी। चलिए बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद हमारा पढ़ाई में और मन लगने लगा। हालांकि जो भी छुट्टियां होती थीं उनमें हम लोग घूमने चले जाते थे, कभी राजदरी, कभी देवदरी, कभी और यहाँ से बैठे ट्रक में पहुँच गए रीवा, ये सब काम करते थे, उसमें बड़ा मज़ा आता था हमको। इस तरीके से एमए तक तो पहुँच गए। यात्राओं में आपने कुछ ऐसा देखा अपने विषय से जोड़ करके, उसे क्या देखा? देखिए उस समय हम विषय को साथ जोड़ के नहीं देखते थे। उस समय उनका जो स्थलों का प्राकृतिक सौंदर्य होता था, जो उसका नेचुरल सेटअप होता था, और एक एकांत में रहने का मज़ा होता था जंगल में। आज तो बहुत पिकनिक मनाने लोग जाने लगे, तब इतने लोग नहीं जाते थे, और रात में तो कोई मुश्किल से ही रुकता था वहाँ। तो हम लोगों को वो रोमांच का जो फीलिंग थी वो ज़्यादा। और पुरातत्व के क्षेत्र में आपने बहुत से कार्य किए हैं और एक उच्च पद पर लंबे समय तक आप कार्यरत भी रहे, और इस क्षेत्र में आपकी जो उपलब्धि रही वो भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में और विश्व पुरातत्व के क्षेत्र में किस तरह का टर्निंग पॉइंट है, आप इसे प्लीज़ एलैबोरेट करें। देखिए दुनिया उसको किस तरह देखती है, यार देश में किस तरह देखा जाता है, ये तो उनका काम है कि वो रिव्यू करेंगे। लेकिन जिन चीज़ों को हम बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि जो मिर्ज़ापुर में पहले 4-5 पेंटेड रॉक शेल्टर्स नोन थी इम्पॉर्टेंट, जिसमें जे कॉकबर्न ने 1880 या उसके आसपास रिपोर्ट की थी, भलदरिया की रॉक शेल्टर थी, लिखनिया थी, पंचमुखी की थी, घोड़मंगर की थी, हमें 100 नए रॉक शेल्टर्स मिले। और हम रॉक शेल्टर ढूंढ नहीं रहे थे, ढूंढ तो हम ऐसी जगहें रहे थे जहां हमको अच्छा लगे, घूमने का मज़ा था। अब चूंकि ऐसी सुंदर जगहों को ही उन लोगों ने चुना था शेल्टर में पेंटिंग बनाने के लिए, तो अपने आप बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती गई। फिर ये इंटरेस्ट आया कि अच्छा ऐसा है तो और होंगी, तो थोड़ा सा एफर्ट करके ढूंढा, तो करीब करीब 100 पेंटेड रॉक शेल्टर्स नहीं मिल गए। अब ये जब मिल गई तो हमने थोड़ा लिखने का शौक़ था, तो कौआ खो में डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था तब। तब हम खाली मज़ा ले रहे थे, घूम घाम के देख रहे थे। लेकिन जब हम एक बार कौआ खो नाम के रॉक शेल्टर में थे, तो वहाँ देखा एक आदमी का चित्रण है जो दोनों हाथों में एक एक हाथी उठाए हुए है, और दोनों पैरों के नीचे एक एक हाथी उसके दबा हुआ है, और पूरा एक कई मीटर का युद्ध का दृश्य है। तो हमें कौंधा की कोई ना कोई इसमें फोक का कोई डिपिक्शन है। तो उस इलाके में जो लोरिक गाई जाती है, उसमें जो लोरिक है वो उसका डिस्क्रिप्शन आता है कि वो सोन छलांग जाता है, एक तलवार से उसने चट्टान काट दी, लोरिका पत्थर वहाँ आज भी है, लोग पूजने जाते हैं, उसको देखने भी जाते हैं। तो उसमें वर्णन आता है कि वो लड़ता था तो हाथियों को उठा उठा के फेंकता था, पैरों से दबा देता था। तो उसको हमने आइडेंटिफाई करने के साथ में थोड़ा उसके नोट्स बना लिए। उस दिन वहाँ खूब पानी बरस रहा था, वहाँ रुके भी थे हम लोग। तो पंडित अमृतलाल नागर ने लखनऊ पहुँचने पर पूछा इस बार क्या देख के आए,
तो हमने उनको डिस्क्राइब किया, उनका इसको लिख के ले आओ। मैं लिख के ले गया, उनका ठीक है थोड़े दिन पढ़ लें हम फिर बताएंगे। थोड़े दिन के बाद हम गए तो उन्होंने धर्मवीर भारती की चिट्ठी हमें पकड़ाई, वो उन्होंने भेज दिया था धर्मयुग में, और वो जो अगला वन विहार विशेषांक आया उसका पहला लेख था लोरिक के वन प्रदेश में, जादू भरे वन प्रदेश में। तो इस तरीके से ये हो गया, लेकिन ये हमारा पीएचडी का टॉपिक नहीं था। ये तो बाद में प्रोफेसर ललन जी गोपाल और नागर जी ने कहा, तो हमने उसे पीएचडी थीसिस भी कर ली, पर थीसिस के लिए हमने ये काम नहीं किया था। आपकी शिद्दत ने आपको वो रास्ता दिखाया, हम तो कहेंगे घुमक्कड़ी। हाँ, घुमक्कड़ी की शिद्दत। फिर तो हमारे लिए इसका बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये सब बहुत अच्छे अच्छे डॉग शेल्टर्स हैं, इन पे हमें लगता आगे भी अभी काम होगा। लेकिन देश में बहुत सी रॉक शेल्टर्स और ढूंढी गई थी, वाकनकर साहब ने ढूंढी थी और लोगों ने ढूंढी थी, तो ये उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे उनका वैसे ही है। लेकिन बाद में चलकर हमें इसी क्षेत्र में राजा नल का टीला एक जगह है, जिसको नौरजा का टीला भी कहते हैं या नौरजा ही खाली कहते हैं, ये भी सोनभद्र ज़िले में है। यहाँ का सर्वे करके जब हमने एक्सकवेशन कराया तो इसमें लोहे की तिथि 1300-1400 BC चली गई। जब हमने ये बात कही तो किसी ने माना नहीं, क्योंकि वो तो 700-800 BC के पहले इस क्षेत्र में और गंगा घाटी में माना ही नहीं जाता था। मानते तो ये थे कि आर्य लोग पश्चिम भारत से आए, घोड़ा लोहा और रथ लेकर जंगल उन्होंने काटे, जंगल जलाए, साफ करके बस गए, और ये डेट 700-800 ईसा पूर्व होनी चाहिए। और उसके लिए वो शतपथ ब्राह्मण में एक एपिसोड आता है उसका, विदेह माथव का, उसको कोट करते थे। हमने कहा ना, हमें तो मिल रहा है 1300-1400 में, और जब हमें मिल रहा तो हम तो कहेंगे, हमारे लिए खोने को कुछ था नहीं, बहुत यंग थे उस समय हम, तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो गलत साबित हो जाएगा ना, हम ऐसे नहीं मानेंगे। लोगों ने सलाह दी कि अब इसकी रेडियो कार्बन डेट कराइए, वो डेट्स भी वही आ गई 1300-1400 BC। फिर उन्होंने कहा एक लेबोरेटरी की डेट गलत हो सकती है, दूसरे साल फिर एक्सकवेशन किया, दूसरी लेबोरेटरी से डेट कराई, वो भी उतनी ही आई। अब लोगों ने सवाल ये उठाना शुरू किया कि एक ही साइट पे क्यों मिल रहा है, कुछ गड़बड़ है, कहीं और मिलनी चाहिए। तो चंदौली ज़िले में एक साइट थी मलहर, उसको खोदा हमने तो 1600-1700 BC चला गया। उनका अरे ये कैसे हो सकता है, कुछ डेट करने में गड़बड़ करते हैं, इनको आर्कियोलॉजी आती ही नहीं होगी, ये स्टेटिग्राफी में गड़बड़ करते होंगे, एविडेंस सही नहीं लेते होंगे। खैर, आज की तारीख में यह है कि सबने उसको मान लिया है, और देश में बहुत से और क्षेत्र हैं जहाँ अमेरिकन्स काम कर रहे हैं, बंगाल में लोग काम कर रहे हैं, BHU में ही प्रोफेसर त्रिपाठी और प्रोफेसर विदुला जायसवाल ने काम किया। सारे लोगों के काम के बाद आज की तारीख में वो एक्सेप्टेड है। हमारी 5 साइट्स पे मिला था और लोगों को और साइट्स पे मिला, तो ये आयरन का एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्योंकि अगर 1300-1400 BC में इस्टेब्लिश्ड है उसका वो टेक्नोलॉजी, 1600-1700 BC में भी आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी डेवलप्ड है, तो ये टेक्नोलॉजी वेस्ट से ईस्ट में नहीं आई है, होनी यहीं की चाहिए। और ये भी लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन जो है ये ट्राइबल्स का है, क्योंकि इनके यहाँ ट्रेडिशनल जो लोहा गलाने की टेक्निक है, असुर ट्राइब है, अगरिया है, और भी कई ट्राइब्स हैं यहाँ से लेकर साउथ तक, ये लोग ये काम करते हैं, तो ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। दूसरी बात ये थी कि जब हम लोग पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि वेस्टर्न इंडिया में तो हरप्पन सिविलाइजेशन थी, और गंगा घाटी जो थी ये दलदल इलाका था और जंगल बहुत थे, इसलिए यहाँ लार्ज स्केल पे कोई बसावट नहीं थी। अब ये बात फिर उससे जुड़ जाती लोहे से, कि लोहा लेकर अगर आ रहे आए होते तो लोहा तो फिर 800 में ही आना चाहिए, चूँकि 1300-1400 में आ चुका है इसलिए और पहले होने की संभावना है। तो हमने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया था कि ये संभव है कि मेसोपोटामियन कल्चर से जो लोग व्यापार कर रहे हैं हरप्पा वाले, वो गंगा घाटी में आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ घना जंगल है, कहाँ तो हजारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं, समुद्र से भी जा रहे हैं, ज़मीन से भी जा रहे हैं, और मैदान में नहीं आ रहे हैं। तो उस उद्देश्य से हमने डोगरा देवा का एक्सकवेशन किया। उस एक्सकवेशन में हरप्पा संस्कृति के पीरियड के ही नहीं एविडेंस मिले,
उनसे अंतर संबंध के भी एविडेंस, और ये एविडेंस मिलने से ये चीज़ प्रूव हो गई कि नहीं, यहाँ कोई वैक्यूम नहीं है, कल्चरल गैप नहीं है, इन दोनों में संबंध हैं थे, और वो जो संबंध थे उन उन उनके एविडेंस यहाँ पर हैं। ये दूसरा मेजर चेंज है। तीसरा जो चेंज है वो ये है कि लोहरादेवा में गए तो थे वो काम करने, लेकिन वहाँ एविडेंस मिल गया चावल का, धान का एक्सप्लाइटेशन का, करीब करीब 7th millennium BC से, और उसकी डेट्स भी ग्रेन पे हैं। तो इसके मतलब वहाँ लोग रह रहे थे और अनाज को एक्सप्लाइट कर रहे थे, जिसमें डोमेस्टिकेटेड राइस भी था और जंगली राइस भी था, दोनों थे। इस पर थोड़ा विवाद पैलियोबॉटनी वालों में चल रहा है कि वो वाइल्ड है या वो डोमेस्टिकेटेड है, वो लोग अपना डिसाइड करते रहेंगे। फिलहाल हमें उसी पीरियड से वहाँ पर रहने के एविडेंस, बर्तन बनाने के एविडेंस, और धान को जलाने के एविडेंस, और धान की भूसी को बर्तन की टेम्परिंग में इस्तेमाल करने के अवशेष मिल गए। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरे, गंगा घाटी में एविडेंस और अर्ली गया, क्योंकि वो 10,000 साल का एविडेंस है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। स्वाधीनता के बाद कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हों, उनके कुछ नाम अगर आप लेने चाहें तो। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक तो जो पहले हमारे डायरेक्टर जनरल हुए जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक काम किया हो, वो थे ए घोष साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे में बीबी लाल साहब ने काम किया, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में इसमें जगतपति जोशी और आरएस बेस्ट, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन खाली इन्हीं लोगों ने नहीं किया, दक्षिण भारत में डेक्कन कॉलेज से एचडी सांकलिया साहब ने पूरा एक फेज जोड़ा, और बहुत इम्पॉर्टेंट काम था वो। इसके बाद यहाँ से अगर आप देखिए उत्तर भारत से, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा का था, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर थे। ये वो टाइम था जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने किया, आपका पटना यूनिवर्सिटी ने किया, BHU ने किया। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों ने इसमें काम किया है। आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें भी, जैसे पैलियोलिथिक पीरियड का काम है, शांति पप्पू ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये लोग हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। टाइम का भी जिक्र कर दें, कब की बात कर रहे हैं? ये आपने जिक्र किया है कि स्वाधीनता के बाद के लोग जो हैं, तो ये पिछले 70 साल में जो लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। उसमें से भी हमने उन लोगों के नाम लिए हैं जिनके बहुत इम्पॉर्टेंट काम हैं। इसमें एक काम जो है, जो अभी लेटेस्ट है, वो के राजन का है। वो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने ब्राह्मी लिपि की डेट 6th century BC पहुँचाई है। उसके दो नतीजे निकल रहे हैं। एक तो ये कि पहले ब्राह्मी लिपि की डेट 3rd century BC मानी जाती थी, अशोक के समय से 300 साल पीछे चली गई है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ब्राह्मी लिपि का इन्वेंशन किसने किया? जैसे और चीज़ों को लोग बाहर से ला रहे थे, वैसे ही ब्राह्मी लिपि को भी बाहर से ला रहे थे, वेस्ट से। अब ये सवाल उठने लगा, क्या दक्षिण भारत से उत्तर भारत आई? तो इतनी जल्दी कंक्लूजन्स नहीं निकालने चाहिए, और एविडेंस आएगा तब बात साफ होगी। तो ये सारा काम इसी बीच में हुआ है, और इसने बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बदला है। अब जैसे हमने नाम लिया आपसे बीबी लाल साहब का, SR Rao हैं, RS Best हैं, जगतपति जोशी हैं, इन लोगों ने जो सबसे बड़ा चेंज ला के दिया वो ये था कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा तो पाकिस्तान में चला गया, तो सैंधव सभ्यता की जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, सैंधव सभ्यता के बजाय हड़प्पा संस्कृति कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंध नदी के किनारे ही उसके अवशेष नहीं मिले हैं। भारत में भी गुजरात से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब तक मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के अपने यहाँ कुल दो स्थल नोन थे, वो भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थे। इन लोगों ने सर्वे करके, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जगतपति जोशी और उस समय के और लोग थे जिन्होंने और काम किया, और काम करके इतनी सारी कई
सौ साइट्स बल्कि हजार के ऊपर साइट्स उन्होंने निकाल दी। और जो एक्सकवेशन हुआ कालीबंगन राजस्थान में है, धोलावीरा गुजरात में है, बणावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, इन सब साइट्स के एक्सकवेशन से ये पता चला कि भाई जितना पाकिस्तान में उतना यहाँ है, इनकी अपनी अलग वेरिएशन है। तो जो आपको एक तरह का एक मोह लगता है, अरे यार हमारे यहाँ से तो निकल गया बाहर, जबकि सोचना नहीं चाहिए, 3000 बीसी में, 3000 से 2000 बीसी के बीच में भारत पाकिस्तान तो थे नहीं, वो एक संस्कृति थी, लेकिन वो जो एक साइकोलॉजिकल आपको लगता उसको उन्होंने पूरा भर दिया। इसी तरीके से हमेशा ये बात होती थी कि भारत में काफ़ी लेट हैं सब कल्चर्स, तो स्टोन एज की जो काम किया शांति पप्पू वगैरह ने बहुत इम्पॉर्टेंट था, उसने ये चीज़ भर दी। दूसरे प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा ने विंध्य के क्षेत्र में प्रस्तरयुगीन सभ्यता से लेकर के और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड तक का पूरा गैप ही भर दिया अपने स्टडी से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये 700-800 BC की बात हम आपसे कह रहे थे, इसके पहले की कुछ जगहें इसके पहले हमारे काम के पहले भी आ चुकी थी, वो 3000 साल पुरानी नहीं थी, लेकिन या आँखी नहीं जा सकी उतनी पुरानी, लेकिन सौगौरा, चिरांद, सेनुआर, आपका नरहन, चढ़ियार, इसमें से काफ़ी साइट्स तो BHU ने एक्सकवेट की, जिसमें डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह थे, BP सिंह थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चतुर्वेदी थे, चिरांद में वहाँ के बिहार के वर्मा जी थे। तो इस तरह से चीज़ें निकल रही थी लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई थी, पर आज की तारीख में जब आप उसका पुनरीक्षण करते हैं तब समझ में आता है कि ये तो सारी चीज़ें मिल के आज आपको तस्वीर दे रही हैं, और इसमें लोगों ने अपना पूरा पूरा जीवन लगा दिया। जैसे रॉक आर्ट की ही बात करिए तो प्रोफेसर राधाकांत वर्मा इलाहाबाद में थे, सबसे पहले उन्होंने इस पर थीसिस सबमिट की थी मेसोलिथिक में, और रॉक पेंटिंग्स को 5 हिस्से में बांटा था, 5 चरणों में। तो ये पहला अटेम्प्ट था इस तरह की डेटिंग करने का इंडिया में, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो जब आप पूछते हैं कि किन लोगों ने बहुत काम किया, तो अब हम ये कहें कि हमारी उपलब्धि आयरन की है तो बहुत सच नहीं है। उसका वजह यह है कि एक टीम में बहुत लोग काम करते हैं, लीडर को श्रेय मिल जाता है, पर वो उपलब्धि होती है जहाँ से उसको एजुकेशन मिल रही है वहाँ से लेकर उपलब्धि तक के सारे लोग, आपके टीचर्स, आपके टीम के जितने लोग हैं, आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन। तो जब आप कहते हैं किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, तो हमारा भी यहाँ पर केवल ये कहना है कि उनकी लीडरशिप को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अचीवमेंट पूरा पूरा उनका नहीं है, वो एक बड़े समूह का अचीवमेंट होता है, हमारा भी अचीवमेंट नहीं है। क्योंकि जब हम लोहरादेवा में काम कर रहे हैं तो लोहरादेवा में खाली हम थोड़े काम कर रहे हैं, प्रोफेसर IB सिंह वो उसके जियोलॉजी के आदमी हैं और जियोलॉजी में उनकी बड़ी पकड़ है, हमसे बहुत सीनियर थे। पैलियोबॉटनी में डॉक्टर सारस्वत काम कर रहे हैं, आपको पालन एनालिसिस के लिए डॉक्टर चौहान और डॉक्टर वंदना प्रसाद ये लोग काम कर रहे हैं। अब चूंकि साइट हमने एक्सकेवेट की, एविडेंस हमने निकाला, श्रेय हम ले लें तो लेना नहीं चाहिए। तो जब आप किसी व्यक्ति की बात कह रहे हैं तो उस युग के एक प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा विषयांतर करते हैं, हाँ। और मेरा एक प्रश्न ये भी है कि युवा पीढ़ी को परंपरागत अध्ययन से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, आर्कियोलॉजी आपका सब्जेक्ट ही नहीं था, ये तो ब्रिटिश पीरियड में आया, ब्रिटिश पीरियड में आने के बाद आपने उसको अडॉप्ट कर लिया और एक अच्छी चीज़ कंट्रीब्यूट कर गए ब्रिटिश लोग कि आपने उसमें अध्ययन शुरू कर दिया। क्योंकि आजकल जो है एक आर्कियोपॉलिटिक्स है सारी दुनिया में, सोशियो आर्कियोलॉजी है, सोशियो पॉलिटिक्स है आर्कियोलॉजी की, हर तरफ के लोग ये साबित करना चाहते हैं कि बौद्धिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम दूसरे से श्रेष्ठ थे। इससे निकलने के लिए आपको एक सही सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अध्ययन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे बात कर रहे थे, भारत में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम किसी व्यक्ति का इतिहास पढ़ें, हम किसी पुरानी चीज़ में विश्वास करें, हमारे यहाँ तो सब संस्कार हैं, जो चीज़ रखने की है वही रखी जाएगी, और वो आपका शरीर नहीं है, आपके किए गए काम भी नहीं हैं,
आपका हीरोइज्म और आपका ज्ञान भी नहीं है, जो असली तत्व है जो उसमें से निकल के आया वो कंटिन्यू करेगा। जैसे ही आपका जीवन शुरू हुआ उन्होंने मान लिया कि तो नष्ट होना है, जब आपकी मृत्यु हो गई पांच तत्वों में आप मिला दिए गए, लेकिन जो आप दे गए वही रहता है। अगर आप इसको ज़्यादा फिलोसफिकल एंगल से देखिए तो दुनिया में ना नाम रहता है, ना व्यक्ति रहता है, ना कीर्ति रहती है, कुछ नहीं रहता है। पर अगर आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी है जो युगों तक के लिए काम में आने वाली है तो वो काम आती रहेगी। थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे कि कालीबंगन का एक्सकेवेशन लाल साहब ने किया था। आज तो ठीक है 96 साल उनकी उम्र है, भगवान उनको और उम्र दे, अभी हैं वो, लेकिन आगे चल करके तो जो उससे ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है वो रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। आप कुछ लोगों को जानते हैं, अशोक को जानते हैं, सबको नहीं जानते हैं। और उन्होंने भी अपने लिए स्मारक कहाँ बनाया? अशोक का स्मारक कहाँ है? चंद्रगुप्त का स्मारक कहाँ है? चलिए वो पुराने लोग हो गए। समुद्रगुप्त का स्मारक कहाँ है? तो नई पीढ़ी को इसमें से तत्व निकालने की ज़रूरत है। पुरानी पीढ़ी से जो आया है वो तत्व ले लें, हम लोग जो कह रहे हैं वो बातें उनके लिए, जो चीज़ 2018 में शुरू हो रही है वो हमारे लिए 1973-74 में शुरू हुई थी, 45 साल पहले। 45 साल में जितना हमने अनुभव किया और आज लिखा है वह केवल उसकी पृष्ठभूमि है, आगे उनको क्या करना है वो इससे आगे बढ़ना है। तो हमारे समय में या परंपरा के सहारे नई पीढ़ी को उतना ही रहना चाहिए जितना उनको ज़रूरत है, और ये समझ उनको होनी चाहिए कि सब कुछ डिस्कार्ड करने लायक नहीं है, और उनसे उनको प्रेम होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए कि हम उसमें से कितना निकाल लें, वो उनके काम है। यही परंपरा को जीवित रख सकता है, अन्यथा परंपरा में वो चीज़ तो टिक ही नहीं सकती जो आने वाले समय में काम की नहीं है। काम का मतलब कोई इस तक भौतिक तत्व में नहीं कह रहे हैं, किसी भी स्वरूप में जो चीज़ नहीं टिकने वाली वो नहीं टिकेगी, आप चाहे जितना कोशिश कर लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के किले का डिस्क्रिप्शन तो मेगस्थनीज ने किया है, वो लकड़ी के होते थे, उसने डिस्क्राइब किया है कि वेस्टर्न राजधानियों से वो बेहतर थे, लेकिन लकड़ी ऐसा माध्यम थी जिसमें आग जल्दी लगती है, फिर भी वो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करती थी। तो कुछ राजा लोग भले ही ईंटों के का इस्तेमाल करने लगे और पत्थर का, आम आदमी ने नहीं किया, क्योंकि उसको क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वो सूट करता था और इकोनॉमिकल था। तालाब की मिट्टी ली, दीवार बन गई, ऊपर छाने के लिए सरपत से छा दिया, गर्मी में वो ठंडा है, जाड़े में वो गर्म है। आजकल वो इकोनॉमिकल नहीं रहा, क्योंकि ना तो उतनी मिट्टी अवेलेबल है, ना सरपत अवेलेबल है, लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी उतनी है नहीं, 3-4 साल पे छप्पर बदलना पड़ेगा, तो इसलिए वो चला गया। अदरवाइज़ आपके यहाँ तो यही ट्रेडिशन था वुडन आर्किटेक्चर का, वही मैं बोल रहा था, कुछ स्ट्रक्चर सीट के बनते थे या पत्थर के, सब थोड़े बनते थे। नहीं, हमारा ये कहना है कि सब चीज़ें सारी संस्कृतियों में आपके कॉन्सेप्ट से चलती हैं। जो इनका सवाल था कि पिछली पीढ़ी से कैसे लें, तो उसका यही है कि आप बिल्कुल हमारे ऊपर मत निर्भर करिए, हमारे व्यक्तित्व से आपको प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी जैसे यूनिक है आपकी ज़िंदगी भी यूनिक है, हमारे में से जो मतलब की चीज़ आपको मिल जाए ले लीजिए, आगे बढ़ जाए, और होगा यही, कर कुछ भी लीजिए आप, अल्टीमेटली आप वही करते हैं। आप अंग्रेज़ भगा दिया आपने, पैंट कोट उनके रोक लिया, अब आपको ज़्यादा सुविधाजनक लग रहा है पैंट के साथ आपने कुर्ता पहन लिया, तो ये आप नहीं कर सकते कि कोई आदमी उसको स्ट्रिक्टली लागू करवा सके। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोच के करेंगे ना तो मतलब वाले पॉइंट जल्दी आप पिकअप कर लेंगे, वरना सब कुछ डिस्कार्ड करेंगे तो गया। आज भी आपके घरों में दादी नानी जो हैं वो घर की दवाइयाँ दे देती हैं, 2 मिनट में आप ठीक, हल्दी पिला दिया, दूध में मिला के घाव भर गया, अब आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा तब थोड़े ही चलेगा। लेकिन सब कुछ आप पिछले पे चलिएगा तो पता चला कैंसर हो गया आप हल्दी पिला रहे हैं, नहीं नहीं साहब हम तो अपनी ही परंपरा में करेंगे, ये नहीं करना चाहिए, आपको सब चीज़ों में से सेलेक्ट करना चाहिए। आपने बहुत सी देश विदेश की यात्राएं की हैं और घुमक्कड़ी आपका एक तरह से कहें कि जुनून है, तो
घुमक्कड़ी व्यक्तित्व के निर्माण में क्या भूमिका अदा करती है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत मज़ेदार बात है कि आपके यहाँ जो एविडेंस आदमी के मिले हैं वो करीब करीब 15 लाख से 20 लाख साल पुराने माने जाते हैं, जिनको आप ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। और जो आपके यहाँ खेती के एविडेंस मिले हैं वो 7000 BC के, मतलब आज से 9000-10000 साल कह लीजिए, तो आपको 19,90,000 साल के तो एविडेंस मिले हैं घुमक्कड़ों के, जब वो नोमैडिक लाइफ में जीता था, आज यहाँ रहता था, कल वहाँ रहता था, कहीं स्थाई रह भी लिया, थोड़े दिन रहा चला गया, तो उसका तो जीवन ही घुमक्कड़ी का था। तो आपके अंदर जो DNA है उसमें वो घुसी हुई घुमक्कड़ी, इसी वजह से आप पर्यटन के लिए निकलते हैं। और साथ में आपके अंदर जो और सौंदर्य बोध हैं उसमें प्रकृति का सौंदर्य तो सबसे निराला है, तो आदमी प्रकृति को देखना चाहता है, नई चीज़ों के प्रति जिज्ञासा होती है, इसलिए भी घूमता है। बहुत दिन घूम लेता है तो अब चूंकि नए संस्कार पड़ गए हैं उसके स्थायी रहने के, तो उसको घर की याद आती, फिर घर आता है, फिर थोड़े दिन के बाद फिर कहता है कहीं घूमने चलना चाहिए, बहुत दिन हो गया। लेकिन जिनमें ये DNA ज़्यादा है या जिनमें रुचि ज़्यादा है वो ज़्यादा घूमते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, दुनिया में एक से एक घुमक्कड़। और घुमक्कड़ नहीं होते तो दुनिया की खोज नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं चलता, अफ्रीका का पता नहीं चलता, अमेरिका लोग नहीं जाते, ये तो अनिवार्य है। आपने अपने जो यात्रा रही हैं उन पे कई किताबें भी लिखी हैं, जैसे सफर एक डोंगी में डगमग और पहियों के इर्द गिर्द, और इसके अलावा अभी पवन ऐसा डोले, उनका कुछ संस्मरण या उनके कुछ वृत्तांत आप हमें एक संक्षिप्त रूप में साझा करें। देखिए, अभी हमने जिक्र किया था कि जब 1974 में यहाँ कुछ आंदोलन BHU में चल रहे थे, हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो हम साइकिल से चले गए, तो उस समय हमारी उम्र जो है वो 21 भी पूरी नहीं हुई थी, नई दुनिया देखने का बड़ा चाव था, साइकिल से निकल गए 3 लोग, एक बनारस का ही लड़का था अजय, वो तो 17 ही साल का था, 16 ही साल का, निकल गए। अब साइकिल कहीं पंक्चर हो रही, कहीं जंगल में फंस गए, कभी कहीं हो गए, उसमें आपको एक रोमांच का अनुभव होता है, उसमें ना तो थकान लगती है, ना आपको कोई बहुत ज्ञान अर्जित करना है, आप एक तरह से एक चैलेंज मानकर उसको करते रहते हैं, करते करते यहाँ से निकले, नेपाल के रास्ते में ये घाघरा पार की, उस समय उस पर पुल नहीं था, बीमार हो गए, एक दोस्त था उसके गाँव में रुक गए, एक हफ्ता वहीं पड़े रहे, अब डॉक्टर ने कहा अब आगे जाने लायक तो है नहीं, लेकिन चले गए, काठमांडू पहुंच गए, काठमांडू से लौट के भी आ गए। तो जो आपकी इच्छा शक्ति है वह आपकी शारीरिक शक्ति से बड़ी है, और आपकी जिज्ञासा और आपका जो उत्साह है ये बहुत कुछ करा सकता है, भले ही आप उसके योग्य ना हो, ये एक बहुत बड़ा अनुभव है उसका। इसी तरीके से नाव चलाने का है, जब नाव वाला एक्सपीडिशन हम कर रहे थे तो हमारे साथ 4 लोग जाने वाले थे, जब सबके घर में लोगों को पता चला कि ये तो नाव से दिल्ली से कलकत्ता जाएंगे, तो 3 लोग तो भाग गए, जिन्होंने साथ दिया ना उनको तैरना आता था ना नाव चलानी आती थी, उन्होंने सब हमारी मदद की, हमारे बड़े पक्के दोस्त थे। फिर उनको दिल्ली से और आगरा तक आते आते, चूँकि पहला हिस्सा हमने नहर से पार किया तो उसमें कोई रिस्क नहीं था, इनको अपने साथ ले लिया हमने, जब चंबल में शुरू किया तो हमने कहा अब आप जाइए, आपके साथ हम नहीं चल पाएंगे। चंबल में जितना दिन लगा हो, 3 दिन 4 दिन ठीक से याद नहीं है, इटावा तक पहुंचने तक हम बिल्कुल अकेले थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, चंबल बहुत सुंदर नदी है, वहाँ अगर आप शाम के समय वहाँ हों, सुबह हों, तो जो आनंद वहाँ है वो सच पूछे तो गंगा किनारे भी नहीं मिलेगा। आपकी आस्था यहाँ ज़्यादा हो सकती है, सौंदर्य वहाँ बहुत है, प्राकृतिक सौंदर्य, वो पूरा किया। अब उसके बाद इटावा से एक साहब आए, वो यहाँ तक आए, इलाहाबाद तक, वहाँ से चले गए, एक साहब इलाहाबाद से जो बहुत अपने को बहुत तगड़ा समझते थे और हर तरीके से सक्षम समझते थे, वो बनारस तक आते आते भाग गए। फिर बनारस से एक लड़का हमारे साथ चला जो अभय कृष्ण अग्रवाल नाम है, यहीं रहते थे बड़की पीरी पे, वो फिर कलकत्ता तक गए,
तो उसमें भी यही अनुभव हुआ कि आप कोई काम करने निकलिए तो कोई चीज़ सुनिश्चित नहीं होती, आधा आप करके चलते हैं, आधा तो मौके पर ही तय होता है, और सफलता फिर भी आपको मिलती है सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से या जो लोग प्रेरित करते हैं। मान लीजिए ज्योति जी ने कहा कि आज आप इंटरव्यू दे दीजिए, तो उस समय नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या कहा हमें, पर अंदर अंदर एक प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो जब आप चलते हैं, लोगों ने वहाँ माला पहना दी आपको दिल्ली में, किसी ने गांव वाले ने खाना खिला दिया, जब आप हिम्मत हार रहे होते हैं तो वही आपकी ताकत बन जाती है। अरे यार वो क्या कहेंगे अगर हम हार गए, तो आप वो चीज़ करते जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आपको मिलती हैं। फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से कलकत्ता तक हम चले गए, हमने गंगा घाटी देखी, एक एक मोड़ देखा, लोगों को देखा, उनकी बोली सुनी, उनका कल्चर देखा, वो तो हमको मिल गया क्योंकि कहीं हमारे साथ कोई नेगेटिव बात हुई ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव रहा। जो नेगेटिव हुआ उसके कोई खास मायने नहीं है, तो हम तो देश से जुड़ गए। फिर जब आर्कियोलॉजी में हम आए तो हमको किसी ने ये तो पढ़ाया नहीं था कि गंगा वहाँ तब गोमुख से निकलती है तो कैसी है, और जब रास्ते भर जाती है तो कैसी है, और आर्कियोलॉजी में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका कोई लेसन हमें यहाँ थोड़े मिला, वो तो वहीं से मिला, ये फ़ायदेमंद रहा। उसके बाद अफगानिस्तान गए, हम ईरान गए घूमने के लिए गए, लेकिन हमने लैंडस्केप तो देखा, खैबर दर्रा कहाँ से निकलता है, हिंदू कुश को कहाँ से क्रॉस करते हैं, सेंट्रल एशिया में बैक्ट्रिया कहाँ पर है, कंदहार होकर के आप कैसे तेहरान जाते हैं, कैसे लौटते हैं, ये सब कुछ देखा। तो जब आप आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये कहाँ है। डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह कहा करते थे कि पढ़ते समय नक्शे पे प्लाट कर लिया करिए, नहीं तो इतिहास जो है वो हवा में लटक जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कहाँ है। तो ये सब कुछ आपके अगले जीवन में आपके काम आता है, और एजुकेशन का पार्ट। और जो सोनभद्र की यात्रा रही आपकी इस पे? हाँ, सोनभद्र में हम पहली बार गए 1973 में, जब यहाँ एडमिशन लेने आ रहे थे तब गए। तब तो गए थे टांडा फॉल देखने, सिरसी फॉल देखने, ये सब देखने गए थे, और जब तक प्योर आर्कियोलॉजी नहीं शुरू की ज़्यादातर घूमने ही जाते थे, पिकनिक मनाने गए, रात में कैंपिंग कर ली, कैंप फायर कर लिया, बड़ा रोमांच हो जाता था। वो इतना बड़ा रोमांच था नहीं वो, लेकिन आप जिसमें रोमांच फील करते हैं वही असली चीज़ है। आपसे बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों ने की हैं, उन लोगों को उस तरह उसमें रोमांच आया होगा, आपको एक छोटी सी चीज़ में भी उसी के बराबर का रोमांच मिल सकता है। फिर हम वहाँ काम करने लगे आर्कियोलॉजी में, आयरन की टेक्नोलॉजी देखी, वहीं से चेंज हुआ, एक कंट्री को नया कंट्रीब्यूशन हुआ। 2012 तक इस क्षेत्र में हम लोग सक्रिय रहे, लगातार नहीं, कभी 77 से 78-79 तक तो लगातार काम किया, फिर टुकड़े टुकड़े में किया, फिर 2 साल राजा नल में किया, मलहर में किया। हमको ये लगा कि हम तो डायरेक्टर हो गए, हमारे पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल में छप गए, हम डायरेक्टर से डायरेक्टर जनरल भी हो गए, लेकिन जिनके पैसे से हमें तनख्वाह मिली और जिनके घरों में हम रहे, जिन लोगों ने हमारा स्वागत सत्कार किया, उनको क्या मिला? और अगर उन तक ये बात नहीं पहुंची, तो हमारा ये काम करना बहुत सफल नहीं होगा। और अगर उन तक बात पहुंचानी है तो हमको उनकी बोली भाषा में लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने ये जो है किताब पवन ऐसा डोले, ये इसी दृष्टि से लिखी है। इसका स्पैन जो है वो 40 साल का है। अच्छा, लेखन की जो प्रेरणा आपको मिली वो शुरू से आप में थी और क्या बाद में आई? और दूसरी बात ये है कि जो देशज बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनका इफेक्ट आपके लेखन में देखने को मिलता है, और वो दोनों हैं, अवधि की भी है और यहाँ के पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी है, इसका क्या कारण है? देखिए, लिखने का तो हमें शौक था, हमारे फादर और मदर दोनों लोग हिंदी में एमए थे, तो हमारे घर की अलमारी में किताबें भरी हुई थी, तो श्रीकांत शरद चंद्र जी की और बाकी किताबें हमने तभी पढ़ ली थी। बल्कि श्रीकांत में एक पात्र आता है जो श्रीकांत खुद है, वो रात में सपेरन के यहाँ जा कर के वो जहर मोहरा निकालने का झरना चाहता है, नांगी से। तो उसकी उम्र उस समय शरद चंद्र जी ने 15-16 साल बताई है,
हमने वो किताब भी पढ़ी थी 15-16 साल में, तो हमारे मन में आया क्यों ना हम भी इसको ज़रा एक्सपेरिमेंट करके देखें। जब हम भागलपुर पहुँचे तो हम दोपहर में पहुँच गए थे, हमने नाव रोक ली तो ये अभय कहने लगे अभी तो दिन है थोड़ा और आगे निकल चले। हमने कहा नहीं नहीं तुम जाओ शहर से कुछ खाना वाना ले आओ, हम ज़रा आराम करेंगे। रात तक हम रुके रहे, जब खूब अंधेरा हो गया तो हमने गंगा के इस पार से उस पार गए, कोई थ्रिल नहीं, इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ से हम इतनी दूर तक तो नाव चला चुके थे, हम 15 साल के थोड़े ही थे तब, तो वो थ्रिल नहीं आया, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन था। तो ये सब किताबें पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत लिखने भी लगे थे, कभी अपने यहाँ हाई स्कूल के पहले जो पत्रिका निकलती थी स्कूल की उसमें एक आध कविता छपी जो हमें उपलब्ध भी नहीं है। फिर जब हम हॉस्टल में थे तो हम अपनी डायरी लिखा करते थे, कभी कभी, रोज़ नहीं लिखते थे, जो चीज़ बहुत प्रभावित करती थी लिख लेते थे। उसके बाद जब यहाँ आ गए तो यहाँ भी डायरी लिखते थे, बनारस में पढ़ते समय भी, तो लिखने का हमें पूरा शौक था। जब हमने नाव यात्रा की तो रोज़ डायरी लिखते थे और उसको हमने टाइप करा कर रख भी दिया था, और तब नागर जी से मुलाकात हुई। नागर जी उसके पहले प्रबुद्ध पाठक हैं, मांग के ले गए हमसे, और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा ये छपनी चाहिए, नहीं छपी तो अब 2014 में आई। इसी तरह जब सोनभद्र में हम काम करते थे तो हम ये सब नोट कर लेते थे, वरना इतनी बोलियां और इतने लोगों का वो हम नहीं याद रख सकते थे। अवधि में तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम अवधि में हमारा जन्म ही हुआ, बनारस की भी थोड़ी बहुत बोली यहाँ रहते रहते बोलने लगे थे, पर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिना नोट्स बनाए आपका काम नहीं चलता, तो ये दोनों का इफेक्ट इसलिए इसमें दिखता है। साहित्य से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा, और किन किन साहित्यकारों के साथ आपका उठना बैठना या उसका? देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा बहुत साहित्य से लगाव रहा, क्योंकि 83 के बाद हमने रेगुलर लेखन किसी पत्रिका में, 84 कह लीजिए, किसी पत्रिका में नहीं किया, और ना हमने कोई किताब ही छपवाई अपनी। पर 84 के पहले पहले जिन लोगों के हम कांटेक्ट में आ गए थे उनमें एक धर्मवीर भारती थे, नागर जी सबसे नज़दीक थे क्योंकि उनको हम में बहुत रुचि थी, हमको उनमें बहुत रुचि थी। फिर श्रीलाल शुक्ल, इनसे भी हम संपर्क में थे, और बनारस में एक थे ठाकुर प्रसाद सिंह जो बाद में सूचना निदेशक हुए थे, उनके संपर्क में थे। बहुत ज़्यादा लोगों के हम टच में नहीं थे और आज भी नहीं हैं, क्योंकि हमको साहित्य का जो वो एक बड़प्पन है और गहराई है, जो उसकी भाषा है, उसमें हमें परेशानी होती है। हम बहुत इनफॉर्मल ढंग से रहने की बात सोचते हैं, लिखते समय भी ये है कि हमारा जो लेखन है वो बहुत साहित्यिक ना हो, बहुत हमारी मस्ती को उजागर करता, उसमें जो शब्द हमें मिल गए हम लिख देते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देते। एक आखिरी प्रश्न है कि आपने बहुत कुछ देखा अपने जीवन में, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा, आप जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं? जिंदगी एक बिल्कुल अजस्र प्रवाह है, कुछ चीज़ें आप करते हैं आपको लगता आप कर रहे हैं, पर वो सच पूछे तो डेस्टिनी कराती है आपसे। इसका ये मतलब नहीं कि आप वो कहने लगें कि अजगर करे न चाकरी, आपको मानना पड़ेगा कर्म का सिद्धांत, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो आपको ये मानने के लिए मजबूर कर देती हैं कि ये चीज़ें जो हैं प्री डेस्टाइन है। ज़िंदगी एक रफ्तार से चलती है और आपको जहाँ पहुँचना है आप पहुँचते हैं, उसमें बहुत सारी आप गलतियाँ करते हैं, पर्सनल लेवल पर भी, एकेडमिक्स के लेवल पर भी। आपको आखिर में ये समझ आनी चाहिए कि हमें अच्छाई, उपलब्धियाँ, हार पराजय और अपने मित्रों और अपने मिलने वालों की बुराइयाँ सबको एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि आप में भी वही सब है। पर ये बात बहुत देर में समझ में आती है, तो हमारा तो जीवन के बारे में यही है, और हमें लगता है कि हम जीवन भरपूर जिया, और जो कमियाँ रह जाती हैं हमें लगता है कि सभी में रह जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। सैर कर दुनिया की गफल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। एक बहुत ही खास वार्ता रही और बहुत ही आनंद आया हमें आपके साथ।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रोज़ अप टीवी से जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक मौका दिया कि हम अपनी बात और लोगों तक पहुंचा सकें। नमस्कार।